आज से 50 साल पहले भी मेरा, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन का प्रेसिडेंट था, उस समय से इलाहाबाद नगर ने अपना प्यार मुझ जैसे एक सेवक के लिए उड़ेला था हमेशा। तो वो अचानक मैं यहाँ देख कर मुझे कुछ कहे भी कि हमें कोई खबर नहीं, सूचना नहीं, उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैं तो आज इस विशेष रूप से इस समारोह के लिए आया और अपने और अचानक ही आया मैं अपने पत्रकार मित्रों के माध्यम से, जो मेरे कार्यक्रम इलाहाबाद के थे, जो 12 मई को मैं फिर आने वाला हूँ, उसमें अवश्य आऊँगा 12 मई को। मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे, क्योंकि लोग नाराज भी होते हैं आजकल कि हमें कोई सूचना नहीं मिली, खबर नहीं मिली। अगर मुझे ये सूचना मिलती कि हाँ इतना भव्य आयोजन हो रहा है और आप सारे ये बड़ी उनकी आप देखिए इससे अंदाज लगा सकते हैं आपके, मुझे केवल कल मालूम हुई कि इतना भव्य समारोह हो रहा है, केवल मैं समझा कोई वैयक्तिक समारोह हो रहा है, ये मेरी गलत सूचना थी। नहीं तो मैं और भी प्रयास करता कि मैं अपने साथियों को जो इसमें भाग लेना चाहते हैं उनको कोशिश कर सकता, तो मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ, मुझे और अधिक जानकारी रखनी चाहिए। वास्तव में षष्ठी पूर्ति समारोह कौस्तुभ जयंती समारोह तो है, लेकिन इतने तप के बाद, तपस्या के बाद, हिमालय के पत्थरों में रगड़ खाने के बाद, संन्यास के बाद, सब कुछ बात में लिखने के बाद, क्या महाराज आप लगते हैं कि षष्ठी पूर्ति हो रही है? ये भगवान की कृपा है कि आपने अपने को इस तरह तपाया है, मंजोया है व्यक्तित्व को, कि आज भी लगता है कि आप चिर युवा हैं और युवा की ये कि जो आपने तारुण्य इस अपनी, जिसे कहना चाहिए सच्ची पूर्ति के अवसर पर, जो तारुण्य की छटा आभा जो आपने बिखेरी है आज और जो आपने दिखाई देती है, तो किसी दिन पहले दर्शन हुए थे, मैं तो सोचता ही नहीं था सच्ची पूर्ति का कोई प्रश्न होता है, लेकिन इससे लगता है कि जो जीवे में श्रद्धा सतम की उक्ति है उसको आप अवश्य चरितार्थ करेंगे और अधिक। इसमें मुझे कम से कम मेरी यही प्रार्थना है भगवान से और आप सब का, जो आपने दिव्य ऊर्जा का प्रवाह जो आपने कहा, वो दिव्य ऊर्जा का प्रवाह इतनी शक्ति दे आपको, आपके परिवार को और आपको, कि आप एक निश्चल भाव से जो समाज की सेवा कर रहे हैं, आप जीव में श्रद्धा सतम की उक्ति को चरितार्थ करें और अधिक। जो कहते हैं लोग कि आने वाली 21वीं सदी में नई नए आविष्कार होंगे, साधना से नए नए आविष्कार होंगे, आयुर्वेद के होंगे, एलोपैथिक के होंगे, होम्योपैथिक के होंगे, सिद्धा के होंगे, यूनानी के होंगे, जितनी भी संसार के अलग अलग चीनी पद्धतियां हैं, भिन्न भिन्न जो पद्धतियां हैं, मुझे विश्वास है कि आप जीवे में चरितार्थ सतम को भी चरितार्थ करते हुए और अधिक आपकी आयु देश के लिए और समाज के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए और अधिक सेवा करने के अवसर आपको मिलेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं यही आज प्रार्थना करता हूँ। वास्तव में ये प्रयागराज तो संतों की भूमि, युग युगांतर से यहाँ के त्रिवेणी के संगम में, सरस्वती और गंगा और यमुना के संगम में यहाँ समागम होते आए, कुंभ होते आए हैं, अर्ध कुंभ होते आए हैं, माघ मेले होते आए हैं, ये प्रयाग का महात्म्य ही ऐसा है। इस ऐसे महात्म्य जो कि अनादिकाल से प्रथम मानव से शुरू हुआ और जो अंतिम मानव तक चलता रहेगा, जो प्रयाग का महात्म्य, उस महात्म्य आपने एक अक्षर आज जोड़ा लिखा है, क्योंकि ये अनादि है, इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। इसी कुसुमदास टंडन पार्क में न जाने कितने बार मुझको ही यहाँ पर अवसर मिला देखने का, आध्यात्मिक संस्थानों को देखने का, गोष्ठियों को, कुंभों को देखने का मुझे अवसर मिला, और बड़े बड़े विद्वानों का, शंकराचार्यों का, संतों का, मुनियों का अभिनंदन करने का भी अवसर मिला। लेकिन आज मुझे बड़ी संतोष हो रहा है कि आपने ये बात कही कि मैं कोई ऋषि मुनि या संत के रूप में नहीं, मैं मानवों में मानवीय गति से रहूंगा, मानव जीवन में व्यतीत करते हुए
एक गृहस्थ का जीवन सार्थक जीवन व्यतीत करते हुए भी मनुष्य शांति सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकता है। और जो हमारे अपनी ज्ञान हमारी जो पुराने जो शास्त्र जो पुराने जो हम लोग कह गए हमारे जो मुख्य जो बुनियादी हमारा साहित्य रहा है आध्यात्मिक साहित्य आयुर्वेदिक साहित्य और दूसरा साहित्य जो लोक हो गया कहते हैं उस प्रयास में जो आप लगे हुए हैं और जो आपने मानवों में मानवीय गति रहूंगा मैं उस दृष्टिकोण को लेकर जो आपने सार्थकता प्रदान की है उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आज 20वीं सदी का ये अंतिम दशक 1995 1000 अब लिखना छोड़कर हम 2000 लिखना शुरू करेंगे 5 साल बाद अगर अंग्रेजी कैलेंडर को लें जो आज विश्व बंधमान है विश्व में माना जाता है। तो इसलिए जब ऐसे अवसर पर भौतिकवाद का अर्थ क्या है आप अपने पत्रों के द्वारा अपने पत्रिकाओं के द्वारा समाचार पत्रों के द्वारा साप्ताहिकों के द्वारा आप बताते हैं ज्ञान वर्धन करते हैं। आज यही प्रश्न है हम सब के सामने संसार के सामने मानवता के सामने कि एक तरफ तो साधना के ही आधार पर गवेषणा के आधार पर मानव साइंस टेक्नोलॉजी ज्ञान विज्ञान के नए ऊंचाइयों को रोज छू रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। जिस लाउड स्पीकर को मैं बोल रहा हूं हम सब जानते हैं लाउड स्पीकर आज से 100 साल पहले नहीं था, 100-150 साल पहले ये पंखे ये बिजली ये सब पिछले 100-150 साल के अंदर ये 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनुसंधान का प्रभाव रहा, साधकों ने साधना की और ज्ञान विज्ञान ने नई नई जो आज हम समझते हैं पहले से ही था लेकिन भारत में था लोप हो गया था। लेकिन फिर साधकों ने विश्व में अलग अलग देशों में साधना की और हम ये आज लाउड स्पीकर भी है ये वीडियो कॉर्डर भी है ये टेलीविजन भी है और उसी समय जो कुछ हो रहा है दृश्य श्रव्य माध्यमों से हम तत्काल देख सकते हैं कि क्या हमें अभी हुआ सारे घटना चक्र का हम अवलोकन कर सकते हैं। तो भौतिकवाद एक तरफ इस चरम सीमा तक पहुंच रहा है रोज नए अनुसंधानों से कि जिसमें मनुष्य को भौतिकवादी जीवन व्यतीत करना भी दैनिक जीवन व्यतीत करना भी एक प्रयोग करना है साधना करनी है कि मैं टेलीविजन भी देखूं 200 चैनल है 200 चैनल में किस चैनल को देखूं यह भी एक साधना बन गई। बच्चे की बीबीसी क्या देखें क्या ना देखें क्योंकि कठिनाई होती है चैनल जी टीवी देखें बीबीसी देखें दूरदर्शन देखें उसका प्रोग्राम देखें उसका प्रोग्राम ये भी एक परेशानी बन गई। इसी तरह धर्म इतने हैं आपके 88 देशों में आपने शाखाएं स्थापित की अध्यात्मिक कितनी बड़ी प्रेरणा की बात है। लेकिन कभी कभी एक नागरिक के नाते विश्व नागरिक के नाते मुझे भी अवसर मिला कि विश्व के धर्म बड़े कितना उनमें जीवंत शक्ति है हर धर्म में उदात्त भावनाएं भी हैं प्रेरक भावनाएं भी हैं और जीवन की आहुति देने वाली प्रेरणा भी हर धर्म में। फिलिस्तीन में जहां 3 धर्मों का संगम है वहां पर यहूदी किस तरह से अपने दीवार में रोते हैं और हमारे मुस्लिम भाई किस तरह अपने दूसरे सबसे बड़े उसकी तलाश में रोते हैं। तीसरी तरफ ईसा मसीह जहां सूर्य लगी उस पहाड़ में उस माउंट को जाने में जो जब लाखों करोड़ों ईसाई भाई वो भी वहीं रहते हैं है एक ही यरूशलम 3 धर्मों का संगम है समन्वय भी है और 3 धर्मों के लिए समर्पित व्यक्ति हजारों किस तरह रोते हैं कलपते हैं अपने अपने धर्मों की निशानी को लेकर और फिर भी जीवित हैं लड़ते भी हैं और जीवित भी हैं। तो आज ये भी विश्व चिंतन का एक मौलिक आधार है कि किस तरह अलग अलग धर्म बड़े बड़े धर्म बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध की वाणी जहां जाइए चीन देखिए कहीं देखिए ओहो आज भी करोड़ों अरबों लोग किस तरह प्रभावित है बौद्ध धर्म से। और कभी कभी हम देखते हैं नए नए समुदायों का आपने पाखंड की बात कही ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग पाखंडी हो गए हैं बहुत कुछ अंदाज नहीं आता कौन पाखंडी है कौन नहीं। आपने जो पाखंड वाली बात कही
कोई धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं थी, हर जीवन के हर क्षेत्र में पाखंडी है। और आज तो ये भी कहने वाले लोग हैं गोबल्स के प्रचारक, कुछ लोग कुछ बिना पाखंड किए सफलता मिल ही नहीं सकती, ऐसा भी मानने वाले लोग हैं। कुछ न कुछ प्रचार किए बिना इस प्रचार के युग में अनुभूति और ज्ञान मिल ही नहीं सकता, कुछ न कुछ तो आप प्रकाशित, ये भी लोग कहने वाले। तो ऐसी जबकि परस्पर विरोधी विचारधाराएं कार्य कर रही हो, सत्य क्या है, सत्य की तलाश को में कार्य करना, उसका शोध करना, ग्रंथ प्रकाशित करना, चेष्टा करना, ये बड़ा दुष्कर कार्य है। महाराज आप ऐसे कार्य में लगे हुए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करने की चेष्टा में आप लगे हुए हैं और साधना में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि साधना हर एक के जीवन की साधना है, हम लोग सुन रहे हैं चुपचाप, वो भी एक साधना। बहुतों के पास बिजली के पंखे नहीं, आप अपने रूमाल से और अपनी साड़ी से और अपने रूमाल से अपना हवा ले रहे हैं, ये भी एक साधना है और ये भी एक अनुभूति की प्राप्ति है। तो इसलिए आपने एक बड़ी बात अच्छी करी, आज का आनंद कल का आनंद क्या था और कल क्या आनंद होगा, आज और इस समय का आनंद क्या है, इस पल का आनंद क्या है, हर पल आनंदमय बीते और आज का आनंद, हर पल का आनंद कैसे हम निभा सकें, इस प्रयास में मानवता लगी हुई है, हमें नहीं समझ। तो आज का आनंद, आज के आनंद प्राप्ति में महाराज आपका आशीर्वाद सार्थक हो, ऐसी शक्ति। इस पल का आनंद, जो ताली पीट रहे हैं तालियों का आनंद, इसका भी आनंद है। कि ताली पीटने का अर्थ एक तो यह है कि ताली पीट रहा है, बहुत से लोग तो ताली पीटने वाले ऐसे होते हैं उन्हें यह पता भी नहीं होता कि ताली किस बात की पीट रही है, क्योंकि सब लोग ताली पीट रहे हैं, हमने ताली पीटना शुरू कर दी, उन्हें क्या कहा, क्या कह रहे थे, बहुत बार हम ही सुनते हैं ताली भी पीट रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि भाई क्या कहा इन्होंने ताली पीट रहे हैं ये। क्योंकि जब जनमानस एक साथ बैठता है तो चूंकि मेरे पड़ोस वाला ताली पीट रहा है, जरूर कोई ऐसी बात होगी कि जिसमें ताली पीटते गए लोग ताली पीटते। तो देखिए, लेकिन ये भी एक साधना है, जहां पर कि जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण जानकारी नहीं है, वो भी ताली पीटने वाला बन जाए, ये भी एक साधना है। लेकिन आप तो जागरूक, आप में से प्रत्येक से मालूम होता है कि वो कितनी प्रेरणा, इतनी भक्तिभाव से आप यहां आए हैं और एक नई दिशा देने का संकल्प लेकर आए हैं। तो आप सब भी, मैं समझता हूं कि जो आज की साधना हो सकती है 20वीं सदी के अंत में, 21वीं सदी को जैसे साधकों की आवश्यकता है, ऐसे साधकों के का प्रयास, इलाहाबाद प्रयास के नगर साधकों का ही ये नगर रहा है, चाहे धार्मिक आध्यात्मिक साधना हो, चाहे विद्या की साधना हो, चाहे न्याय विज्ञान की साधना हो, हाईकोर्ट का ये पुराना, सबसे बड़े पुराने हाईकोर्ट का स्तंभ रहा है, यहाँ पर तो न्यायविद बचे रहे हैं, प्रख्यात रहे हैं, विश्वविद्यालय छात्र एक से एक यहाँ रहे हैं। तो ये साधकों की नगरी है इलाहाबाद, ये साधकों की नगरी में आप यहाँ एकत्र हुए हैं, आप साधक एकत्र हुए हैं महाराज के सान्निध्य में, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सबका। और एक इलाहाबाद का पुराना नागरिक होने के नाते, चाहे कहीं भी रहे हैं, किसी भी काऊ देश में रहेंगे, काऊ वेश में रहेंगे, रावरो कहेंगे हम तो महाराज गोस्वामी जी कितना ही करके रहेंगे, इलाहाबादी वाले चाहे हिमालय में भी जन्मे हो। तो इसलिए ऐसी नगरी में आपने मुझे फिर यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ अधिक आपके सामने कुछ कहना ये शोभा नहीं देगा, इतना मैं कह गया यही मैं समझता हूँ दृष्टता, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। लेकिन आखिर जो महाराज ने जो अपने जीवन के अनुभव बताए, मैं भी हिमालय के एक गांव में, उसकी घाटी और चोटी में, वो ऊंचे ऊंचे हिमालय के वो पहाड़, वो देवदार और चीड़ के जंगल, वो कल कल निनाद करते हुए वो झरने, वो हिमाच्छादित धवल शिखर और वो घाटी से चोटी तक सीढ़ी नुमा बने हुए खेत,
उन्हीं में से एक गांव से मुझे भी अकिंचन को मुझे भी वहीं जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।